वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज एंड्रो सिलिस सुरगदे। आज के एनालिसिस जहां पर स्टडी करने वाले हैं कि कल के दिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड पैटर्न हो सकता है, ऐसे कौन से स्टॉक है जहां पर वो अपना इंट्राडे ट्रेड पैटर्न कर सकते हैं। सबसे पहले अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे हमने ओपन किया है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देख सकते हैं। कल के दिन हमने एनालिसिस भी किया था कि मार्केट अगर इस रेंज के आसपास ओपन होता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्विक प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। फिर हमने सुबह 9:30 के आसपास वीडियो पोस्ट करके बता दिया था कि आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो 50-100 पॉइंट मोमेंटम का, और मार्केट ने बहुत अच्छा सा मोमेंटम डाउनसाइड में दिया, एक्जैक्टली 45,000 टच करके फिर रिवर्स कर गया। तो आज यहाँ पे जो पॉसिबल एंट्रीज थे उसके बारे में डिस्कस किया जाए, तो मार्केट में एक सेलिंग एंट्री यहां मिला, एक बाई एंट्री यहां मिला, उसके बाद अगेन एक बाई एंट्री यहां मिला। तो हमें ये तीन मूव यहाँ पे कैप्चर करने की हमने कोशिश किया, बहुत अच्छा मोमेंटम, बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को हमें मिला, राइट। चलो ये तो हो गया आज का मार्केट, अब कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो कल के लिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन देखें, क्विकली ऑप्शन चेन देखने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी, ओके यहाँ पे ऑप्शन चेन में देख सकते हैं ह्यूज कॉल राइटर्स आर सेटिंग इन 45,500, मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे, मतलब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर सपोर्ट का बात करें, सपोर्ट है डायरेक्ट 45,000 के आसपास। तो फिलहाल कल हमें ऑब्जर्व करना है कि मार्केट 45,500 के ऊपर जाता है कि नहीं, अगर उसके ऊपर मार्केट जाता है तब कोई ट्रेड पैन हो सकता है। 45,500 का है अप्रोक्स यहाँ पे है, मतलब अगर मार्केट कल के दिन इस लेवल के ऊपर जाता है तब कोई मोमेंटम बाइंग का आ सकता है, तो हमें यही ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि अगर मार्केट कैप अप ओपनिंग होता है राउंड अबाउट 45,500 के आसपास, अगर मार्केट ओपन हुआ स्लाइटली फॉल आके अगेन मार्केट उसका हाई ब्रेक करता है, ओपनिंग का हाई ब्रेक करता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बाइंग करते ही आपका फर्स्ट टारगेट होगा 45,600, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अपसाइड में 45,800 45,900 भी जा सकता है। अब देखो एवरी डे यहाँ पे कंटिन्यू 4-5 डेज मार्केट में बाइंग ही जा रहा ज्यादा आ रहा है, तो इस वजह से ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कल भी बाइंग ही आएगा, बस आपको वेट करना है कि ये हाई ब्रेक करे। अगर ये हाई ब्रेक होता है तभी कोई अच्छा मोमेंटम आएगा, नहीं तो आप इस ओनली यहां तक का टारगेट सेट कर सकते हो। ये हो गया गैप अप का। अगर हम देखा कि मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर ओपन होता है, क्या ट्रेड पैन करना है, क्या अपसाइड ब्रेकों से बाई करेंगे, है अपसाइड में आप बस वेट कर सकते हो 45,400 लेवल का। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है देन वी कैन गो फॉर 200 पॉइंट या 100-200 पॉइंट का मोमेंटम हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है, यहां तक का मैक्सिमम मोमेंटम, ठीक है। अगर हम देखा कि मार्केट रेंज बाउंड के बाद नीचे ब्रेक करता है 45,200 लेवल नीचे ब्रेक करता है, तो इमीडिएट हमारे नीचे की तरफ 200 पॉइंट का टारगेट हो सकता है। तो बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ कहीं ना कहीं हमें बन रहा है, बोथ साइड मोमेंटम मिल सकता है साइडवेज ओपनिंग। अब देखते हैं कि अगर मार्केट कुछ नेगेटिविटी शो कर रहा है, डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है। देखो अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन हो रहा है, बस आपको ऑब्जर्व करना है कि 45,000 लेवल के आसपास मार्केट कैसा बिहेव करता है, क्या मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक कर रहा है या यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई टाइप ऑफ कोई हैमर कैंडल बनाता है, कोई हैमर कैंडल और उसका फॉलो थ्रू देता है, डेफिनेटली हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। 45,200 एक टारगेट होगा, 45,300 एक टारगेट होगा। और अगर हमने देखा कि फर्स्ट जो भी कैंडल बने और उसका लो ब्रेक करता है, जैसे लो ब्रेक करेगा हम सेलिंग के लिए बैठ जाएंगे, 44,800 एंड 44,700 का एक नीचे की तरफ टारगेट हो सकता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब क्विकली एक बार निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी कैसा चल रहा है। अब निफ्टी का आज का ट्रेड प्लान देखेंगे, हमने क्या डिस्कस किया था, अगर मार्केट गैप ओपनिंग होता है यहां से एक बाइंग सेंटीमेंट आ सकता है, तो एक सेलिंग प्लान हमने यहां पे किया, लास्ट में बाइंग प्लान किया, मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम भी दिया, और आज जो हमें हाई देखने को मिला दैट इज अराउंड 19,440 के आसपास, ठीक है। तो ये फिलहाल एक रेजिस्टेंस बना है। अगर हम ऑप्शन चेन चेक करें, डेटा वाइज यहाँ पे देखें, डेटा वाइज क्या बता रहा है, डेटा वाइज यहाँ पे 49,400 में बहुत ज्यादा कॉल सेलर्स बैठे, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है 19,400, सपोर्ट क्रिएट हो रहा है 19,300, राइट। चलो अब वापस चार्ट में आते हैं, 19,300 कहाँ है, एकदम इस लेवल के आसपास है जो आज का लो बनाया, और 400 हम यहाँ पे कहीं पे देख सकते हैं। तो बस कल ऑब्जर्वेशन करना है कि मार्केट कल कहाँ ओपन होता है। अगर हमने देखा मार्केट कहीं ना कहीं 30 पॉइंट 40 पॉइंट या 50 पॉइंट में गैप ओपनिंग होता है कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास, वेट एंड वॉच करेंगे, मार्केट को यहाँ से सपोर्ट लेने देंगे कहाँ पे, 19,440 या 450 के आसपास सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाता है और डे हाई ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम बाई का ट्रेड प्लान करेंगे। अपसाइड में कोई टारगेट सेट नहीं कर रहे, बट जो हम रिस्क टू रिवॉर्ड में काम करेंगे वो मिनिमम 1:1 होने वाला, 1:1 आपका मिनिमम टारगेट हो सकता है, राइट। अब देखते हैं कि हम सेलिंग कर सकते हैं कि नहीं। देखो अगर गैप ओपनिंग के बाद मार्केट इस रेंज के नीचे आता है, अचानक से सेलिंग मत कर लेना, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे एक्टिव तभी होंगे जब ये लो ब्रेक करेगा,
आपको वेट करने की मार्केट नीचे आती है, इस लो को ब्रेक करे, देन आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये लेवल होगा, दैट इज अराउंड 19,300, और ये ब्रेक किया तो 19,250-260 तक का टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस ट्रेंड लाइन, ये जो ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन खींचा है, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तभी हम सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो हम बाइंग के लिए ही बाइस रहने वाले। ओके चलो अब देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है, कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर ओपन होता है, क्या करना है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। साइडवेज ओपन होने के बाद अगर ये डे हाई ब्रेक करे, प्रीवियस डे हाई ब्रेक करे, तो हम बाइंग के लिए बैठेंगे। साइडवेज ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे 19,360 लेवल डाउन साइड ब्रेक करे, हम यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठ जाएंगे, 52-60 पॉइंट का मोमेंटम आराम से कैप्चर कर सकते हैं। ओके ये हो गया साइडवेज। अब देखते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास, क्या करना है। देखो अगर गैप डाउन ओपन होता है ऐसे में ऑप्शन बायर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम आने का चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस वेट करना है कि मार्केट नीचे की तरफ 19,300 को ब्रेक कर जाए। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है देन ओनली वी कैन गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड, और बाइंग के लिए जो ह्यूज मोमेंटम आ सकता है वो इस लेवल के ऊपर ही आएगा, तो बेटर वेट करेंगे। इस रेंज के अंदर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, गैप डाउन के केस में अवॉइड कर जाएंगे। ये रेंज ब्रेक करता है तब यहाँ पे बाइंग, नहीं तो अवॉइड। नहीं तो अगर आपके पास कैपिटल ठीक ठाक है तो आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, तो चांसेस आर देयर ऑप्शन सेलिंग में आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ओके ये हो गया हमारा निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी एनालिसिस। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी के लिए वीडियो लाइक कीजिए, और अपने अभी तक हमारा YouTube सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और फाइनली अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रेगुलर बेसिस आपको पता है हम एवरी डे स्टॉक एनालिसिस पोस्ट करते हैं, किस स्टॉक में कैसे ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकता है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया था सुबह सुबह आपके साथ, तो वो वीडियो देख के भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, राइट। चलो अब एक एक करके फिर स्टॉक्स में आते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक हमने यहाँ पे रखा है, दैट इज ऑरो फार्मा। इसको 15 मिनट टाइम पर ऑब्जर्व करेंगे, देख सकते हैं आज का दिन मार्केट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने टोटल साइडवेज मोमेंटम दिया, तो बस नेक्स्ट दिन का यही प्लान है, जैसे नीचे की तरफ 708 ब्रेक करता है, 708 लेवल अप्रोक्स यहाँ पे कहीं पे, अगर इसके नीचे स्टॉक सस्टेन करता है तो वी कैन गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। अगेन 1:2 नहीं तो 1:1 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, फाइन। अच्छा बाइंग कब करेंगे, बाइंग के लिए 720 का वेट करना पड़ेगा। अगर स्टॉक 720 के ऊपर जाता है, 720 कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाता है, देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बाई साइड ट्रेड, मतलब यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट हो जाएगा, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से खींच सकते हैं अप्रोक्स, यहाँ से ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है 720 ब्रेक होता है तो बाइंग के लिए कन्वर्ट हो जाएंगे, और नीचे की तरफ जब तक 708 के नीचे है हम यहाँ पे सेलिंग पैटर्न देख के सेल का ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक जो बोला ये है ऑरोबिंदो फार्मा या ऑरो फार्मा। अच्छा अगला स्टॉक जो हमने अपने वॉच लिस्ट में रखा है दैट इज टाटा मोटर्स। यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, ये पहले भी फॉर्मेशन हुआ था करेक्ट इस जगह पे, उसका इसने बहुत अच्छा मोमेंटम भी दिया, अगेन इतने बड़े मोमेंटम के आसपास फिर मार्केट सिमिलर पैटर्न बना रहा है। अब आपको गेस हो गया होगा किस टाइप का मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है, बट उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल के ऊपर मार्केट जाता है। स्टॉक का नाम अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इट इज टाटा मोटर्स। कल हमें बस ये वेट करना है कि स्टॉक अपसाइड में 597 स्टॉक 597 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बाय साइड ट्रेड, और अगर नीचे की तरफ देखते हो 590 के नीचे आ रहा है तो यहाँ पे स्कैल्पिंग में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, बिगर टारगेट अवॉइड करेंगे, स्मॉलर टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जो लेवल्स बताया दोबारा लिख दे रहा हूँ, 597 के ऊपर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, मिनिमम जो रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे दैट इज मिनिमम 1:1, और अगर मार्केट बिगर टारगेट देता है तो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। डाउनसाइड में 1:2 अवॉइड करेंगे, 1:1 मिल जाए वही काफी है, क्योंकि मार्केट मेन अप ट्रेंड में है, अगर 590 के नीचे आता है 590 के नीचे तो बहुत क्विकली फॉल देगा और साथ ही साथ सपोर्ट लेके ऊपर भी भागेगा, तो 1:1 अगर आपको मिल जाता है तो क्विकली हम ट्रेड लेके निकल सकते हैं, राइट। ये हो गया हमारा टाटा मोटर्स। अब अगला स्टॉक जो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं दैट इज सन फार्मा। अब इसको ऑब्जर्वेशन अगर डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं तो बेटर रहेगा आपको, आई थिंक इसको पहले भी मैंने स्टडी करके बताया था कि यहाँ पे चल क्या रहा है, एक रेजिस्टेंस के आसपास, राइट। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में देख सकते हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग, क्यों, यहाँ पे देखो पहले इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश किया नहीं दे पाया, वापस नीचे आया एक लेवल पे रिट्रेस करके वापस ऊपर भाग रहा है, और इसका कैंडल जो है इसको हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल। तो अगर हमने कल के दिन देखा ये 1055 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत अच्छा मैसिव मोमेंटम यहाँ पे अपसाइड में देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो इसको वॉच लिस्ट में जरूर रखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लस इंट्राडे के लिए। अब इंट्राडे के लिए कौन सा लेवल ध्यान रखना है वो देखना है,
देखो आज इसने जो क्लोजिंग दिया है, लास्ट में जो क्लोजिंग दिया है 1053 के आसपास, तो कल हमें ऑब्जर्व करना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 1055 के ऊपर सस्टेन करा कि नहीं करा। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो देन वी कैन गो फॉर अ बाय साइड ट्रेड, कोई भी बाइंग पैटर्न मिलता है तो जरूर ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अच्छा सेल कब करना है सर, इसको क्या सेलिंग के लिए देख सकते हैं? सर अगर यहाँ पे कोई रेड कलर कैंडल बनता है तो क्या यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठेंगे? अवॉइड करेंगे, नीचे की तरफ हम वेट करेंगे 1044 लेवल। अगर प्रॉपरली 1044 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे 4 to 5 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, 4 to 5, यस मोर देन 5 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उस वो मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो सेलिंग साइड में, तो उसके लिए आप कौन सा लेवल बोला 1044 के नीचे, तो बाइंग हो सकता है 1055 के ऊपर और सेलिंग हो सकता है 1044 के नीचे। आई होप यहाँ तक वो क्लियर हो गया। तो ये हमारा था आज का लास्ट स्टॉक। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, साथ ही साथ ये भी मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन से स्टॉक अपने वॉचलिस्ट में रख रहे हो और आपको भी प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप हमारे एनालिसिस कुछ हेल्प आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले दिन में।